हे गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को, सत श्री अकाल, प्रणाम, सलाम, के एंजॉयन बॉयज पूरी में बोले तो कैसे बानी रहो सब। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो जब से हम आए हैं ना बिहार से, तब से स्कूटी से ही ट्रैवल कर रहे हैं और अभी हमें जाना है लगभग 41 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। तो ये जो स्कूटी है ना, ये हमारे बड़े भैया का, और अभी आपको पता है कि हम लोग सूरत में हैं, कीम में भैया भाभी के पास आए हुए थे, क्योंकि गोवा और सूरत की दूरी ना काफ़ी कम है, 8-9 घंटे का ट्रैवल था। तो हमें सूरत आना था कुछ काम से भी, बिजनेस के काम से हमें सूरत आना था। तो हमने सोचा चलो घूम भी लेते हैं, स्कूटी भी है यहाँ पे मस्त, भैया ने घर भी ले लिया है, तो बाकी घर का भी होम टूर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। पूजा कहाँ जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए? हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सूरत की मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, और सूरत दिखाएंगे, मज़ा करेंगे। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का इसलिए, क्योंकि आज हमारे इंस्टाग्राम पे हमारी फैमिली जो है ना वो 7 लाख की कंप्लीट हो गई है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग शिवांश को लेके आए हैं और यहाँ पे ये अपने फ़ोन का टेम्पर लगवा रहे हैं, और मेरे फ़ोन का ना कहीं मिलता ही नहीं है। मेरे फ़ोन का ना इनके पास कवर है, ना ही ग्लास है, कुछ नहीं है। पता नहीं मेरे फ़ोन का क्यों नहीं मिलता, मुझे समझ नहीं आता। शिवू आ रहे पापा। अरे वाह, कार्ड कहाँ था शिवू का? कार्ड कहाँ था? क्या था? अरे दोनों कार है बुआ के पास, 1-2 कार है। वाह, सुबह सुबह सो उठ के तैयार हो के हम लोग आ चुके हैं सूरत, और इतनी दूर है वहां से 40 किलोमीटर। गिर गया मम्मा, उठा दी। हे फैमिली, आ चुके हैं हम घर पे और बहुत सारा शॉपिंग किया है मैंने। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही सूट थे जो कि मैं लेके आई थी, क्योंकि गोवा जाना था, यहाँ का तो पता नहीं था कि यहाँ पे आना है। बस भैया भाभी ने बुलाया और हम लोग चले आए, बस पास में था इस वजह से। और बहुत ढेर सारा शॉपिंग किया है जो कि आपको दिखाएंगे। इतनी दूर से आना, आईज एकदम रेड हो गया और गर्दन दर्द कर रहा है। शिवांश भी सो गया है, रास्ते में ही सो गया था, और बस यहाँ पे आए हैं, फेस वेस धोएंगे, एकदम धूल मिट्टी सा पूरा पड़ के। और गोवा में तो स्कूटी राइड करते ही थे, यहाँ पे भी स्कूटी राइड करते। इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जाने वाली है? बर्थडे। इसका तो एक अलग ही डेली चलता रहता है। कल कहाँ गई थी? कल ना बगल में जैसे गुजराती लोगों का कोई ये होता है, कोई पर्व होता है, तो उसमें इसको खाने के लिए बुलाए थे, तो ये गई थी शाम को। और आज इसकी फ्रेंड का बर्थडे है, सो फिर ये जा रही है खाने को। मतलब इसका डेली बाहर, डेली का खाना बाहर रहता है शाम के। तो अभी चल रहा है मैडम का मेकअप, अभी मैडम मेकअप करेंगे, ड्रेस चेंज करेंगे, तब जाएंगे बर्थडे पार्टी में। और अभी स्कूल करीबन अभी तक नहीं खुला है, नहीं, स्कूल गई थी। हाँ, अच्छा ऐसे जाएगी। ये देखिए चोटी इसका, छोटा वाला तौलिया। कैसा लग रहा है ड्राइव ड्राइव करके? आप लोगों को अभी तक हमने होम टूर नहीं करवाया, तो जल्द ही होम टूर करवाएंगे हम लोग। क्या है ना कि हम लोगों के पास टाइम ही नहीं मिल रहा है कि हम लोग होम टूर करवाए। हाँ, एक बार करा चुके तो उस, हाँ उस टाइम, लेकिन उस टाइम रहते नहीं थे ना, और उस टाइम अच्छे से थोड़ी ना करवाए थे, इस बार अच्छे से एकदम करवाएंगे। अरे मौसी मिलने आ रहे हैं, कि मौसा जी मिलने आ रहे हैं शायद, बोलेंगे। हाँ, पट्टा ले लेते हैं। अभी घर पे कोई है नहीं, भैया भी नहीं है, भाभी भी नहीं है, और सिद्धि भी बर्थडे में चली गई है। तो मैं कह रही थी कि सूट मैंने लाया नहीं था, सिर्फ 2 लाया था, जो कि कल एक मैंने पहना था, एक आज पहना ये वाला, और इसलिए मैंने सूट खरीदा है, कुछ भाभी के लिए भी खरीदा है, सेम खरीदा है, दोनों गोतनी सेम पहनेंगे। मैंने जो अपने लिए 2 खरीदा है, वैसा ही सेम भाभी के लिए भी खरीदा है दोनों, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, और भाभी को भी दिखाना है, उनको ट्राई भी करवाना है, क्योंकि साइज मुझे पता नहीं था, मैंने अपने हिसाब से बड़ा ले लिया है, लेकिन फिर से अच्छे से ट्राई करवा लेंगे, नहीं होगा तो चेंज भी करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कैसा, मतलब दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। वैसे अच्छा ही लग रहा है, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना। तो अभी सिद्धि के मौसा जी बाहर आए हुए हैं, तो उनको चलते हैं प्रणाम करने।
तो ये दो सूट लिया है जो कि सेम सेम ही है, एक मेरा और एक भाभी का। कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके बताना। बाकी भाभी आएंगी तो इसको पूरा ओपन करके दिखाएंगे खोल के कि कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये दोनों, ये जैसे कुर्ती है फ्रॉक सा है, इसके नीचे बॉटम वियर है एंड दुपट्टा भी है। और इसका दुपट्टा ना बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी, भाभी आ जाएंगी उसके बाद दिखाऊंगी आप लोगों को। और आज ना बहुत ही अच्छा दिन है बिकॉज इनके इंस्टाग्राम पे 700K कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमें तो मन था कि आज ही सेलिब्रेट करें, बट आज ना आते आते काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, तो हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट डे सेलिब्रेट करेंगे और केक काटेंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो पति देव को चाहिए वैसलीन टैटू में लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ही खुजली हो रहा है टैटू में। टैटू जो है ना वो एकदम सूख गया है, पपड़ी की तरह निकल रहा है, इसकी वजह से बहुत खुजली हो रही है, तो वैसलीन लगाते हैं। तो पतिदेव को चाहिए वैसलीन टैटू में लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ही खुजली हो रहा है टैटू। थोड़ा सा पूजा को कुछ खाने होने का मन है, चाट। अरे यार अरे इसका अलग ही, आओ हम नहीं खाएंगे मटन। अरे भाभी बनाती है अच्छा है यार। टेस्ट तो करना पड़ेगा, स्मेल अच्छा नहीं लगता है उनको। टेस्ट कर लेना भाभी का। अच्छा तो वो छोड़िए, इसमें वैसलीन लगा दीजिए। चाट तो यही मिलता है 20 रुपए का। कहाँ भाभी, कहाँ? नहीं भाभी, रास्ता जो हो जाता है ना सीधे, कहीं देखिए सीधे जाके वो कोना पे ठेला वाला था, वो उस पे था। हाँ वो पास में ही फैमिली। तो इतने सारे कपड़े आज धोए थे, ये सारे कपड़े अभी फोल्ड कर रही हूँ, और शिवांश को सुला दिया, आराम से सो गया। बस कपड़े सारे फोल्ड करके अंदर रख देना है, और अभी हो रही है खाना की तैयारी। और यहाँ पे हो रही है एडिटिंग, बना रही है भाभी। भाभी प्याज काट रही है, लेकिन आपको आंसू आ रहा है, यही प्यार होता है, यही भाभी और देवर का प्यार होता है। भाभी प्याज काट रही है, हमको आंसू आ रहा है, भाभी का काम। बताइए भाभी, आप प्याज काट रहे, सच्ची में रो रहा है, लेकिन ठीक है। तो रात के बज रहे हैं 8:23, और इस टाइम हमने किया एडिटिंग, और अभी ब्लॉग अभी डालने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई है, तो लेट भी ब्लॉग एडिट कर रहे हैं ना, तो खुजली हो रहा है मेरे टैटू में। आपके भी टैटू में खुजली हो रहा है क्या? मन कर रहा है कि नोच धोए से 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 छोड़ दो, देखो देखो ये देखो, ये देखो निकल रहा है, ये कहला नोच रहा है बिना मतलब, वैसे वैसे लगे और नोच रहा है, तो वैसे लगे मतलब नोच रहा है, बता दो, छोड़ दो, देखो देखो ये देखो, ये देखो निकल रहा है, नोच रहा है बिना मतलब, वैसे वैसे लगे और नोच रहा है, तो वैसे लगे मतलब नोच रहा है, बता दो। हे फैमिली, तो अभी हम लोग कर रहे हैं आराम। आराम नहीं, बाहर चलिए। थोड़ा सा पूजा को कुछ खाने होने का मन है, चाट। अरे यार बना रहे तो चाट खाएंगे अभी। अरे इसका अलग ही, आओ हम नहीं खाएंगे मटन। अरे भाभी बनाती है अच्छा है यार, टेस्ट तो करना पड़ेगा, स्मेल अच्छा नहीं लगता है उनको, टेस्ट कर लेना भाभी का। अच्छा तो वो छोड़िए, इसमें वैसलीन लगा दीजिए। चाट तो यही मिलता है 20 रुपए। कहाँ? नहीं भाभी, रास्ता जो हो जाता है ना सीधे, कहीं देखिए सीधे जाके वो कोना पे ठेला वाला था, वो उस पे था। हाँ वो पास में ही।